सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी व इंसान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान व सबसे अहम खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक से संन्यास की घोषणा करके सबको चौंका दिया है। लेकिन आपको बता दें कि उनके संन्यास के बाद क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी भावनाएं उनके लिए प्रकट की हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में। जी हां दोस्तों, यह सच है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और 15 अगस्त को इस तरीके से अचानक संन्यास लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है जो कि उनके भविष्य के खेल पर अटकलें लगा रहे थे। खैर दोस्तों, मुद्दे की बात तो यह है कि कैप्टन कूल कुछ इस तरीके से अचानक क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह देंगे कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हालांकि साल 2019 के बाद धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं थे, बीसीसीआई ने उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया था, लेकिन फिर भी सबके मन में यह उम्मीद थी कि धोनी वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे और टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जिताएंगे भी। खैर दोस्तों, वह तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि धोनी ने खुद ही संन्यास की घोषणा कर दी और कुल मिलाकर वह आप सभी को नीली जर्सी में खेलते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। परंतु महेंद्र सिंह धोनी की सादगी तो देखिए कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मीडिया को बुलाना नहीं, बस एक इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करी और लिख दिया कि आज तक आप सभी द्वारा दिए गए प्यार का धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आज शाम 7:29 से आप सभी मुझे रिटायर्ड समझिएगा। दोस्तों, बस कुछ इसी तरीके से धोनी ने इस वीडियो में पल दो पल गाना लगाकर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कैप्टन कूल जाते जाते भी अपनी सादगी से सबको लुभा गए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के कुछ इस तरीके से अचानक भारतीय टीम व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने पर सभी काफी ज्यादा भावुक हैं। और दोस्तों, धोनी के संन्यास लेते ही केवल क्रिकेट की दुनिया के खिलाड़ी नहीं बल्कि धोनी के चहेते, यहाँ तक कि उनकी पत्नी साक्षी सिंह धोनी ने भी उनके लिए खास पोस्ट किया है। आपको बता दें कि साक्षी सिंह धोनी इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। अक्सर देखा गया है कि मस्ती मजाक के मूड में वह धोनी के साथ कई बार वीडियोस पोस्ट करती है। लेकिन आज जब धोनी ने अचानक रिटायरमेंट की घोषणा कर दी तब साक्षी सिंह धोनी भी पूरी तरीके से इमोशनल दिखी। दोस्तों, इमोशनल होते हुए साक्षी सिंह धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर महेंद्र सिंह धोनी के लिए कुछ लिखा है। आपको बता दें कि एक पोस्ट शेयर करते हुए साक्षी सिंह धोनी ने धोनी की तस्वीर पोस्ट करी है जिसमें वह आसमान की तरफ देख रहे हैं। इस इमोशनल पोस्ट में लिखते हुए साक्षी सिंह धोनी कहती हैं कि आपने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी मुकाम हासिल किया उस पर आपको गर्व होना चाहिए। मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमेशा से ही क्रिकेट की गेम में अपना 100% दिया है। आप जिस तरीके के इंसान हैं और आपकी सभी सफलताओं पर मुझे पूरा नाज है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि क्रिकेट की दुनिया को इस तरीके से अचानक अलविदा कहते समय आपकी आंखों में भी आंसू रहे होंगे, परंतु मैं इसी बात की दुआ करती हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी में भी खुशियां रहें। दोस्तों, साक्षी सिंह धोनी काफी कम है ऐसे पोस्ट करती हैं। जाहिर सी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके पति तो हैं ही, साथ ही उनके बेहद ही करीब भी हैं। धोनी की लाइफ इतनी ज्यादा भी आसान नहीं थी, लेकिन साक्षी सिंह धोनी ने हर समय हर कदम पर उनका साथ दिया है। लगभग हर मैच में साक्षी सिंह धोनी महेंद्र सिंह धोनी को चीयर करने स्टेडियम में दिखती थी। यहाँ तक कि वह जीवा धोनी को भी लेकर जाती थी ताकि महेंद्र सिंह धोनी का मनोबल हमेशा मजबूत रहे। इन दोनों की बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रांग है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन धोनी के इस तरीके से अचानक संन्यास लेने के बाद क्रिकेट की दुनिया का प्रत्येक फैन सत्ते में है। आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को इस समय पर संन्यास लेना चाहिए था या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।